आगरा के थाना डॉगी क्षेत्र के कबेस चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब गुरुवार की रात करीब 1 बजे राहुल क्लोथ स्टोर एवं साड़ी शोरूम में अज्ञात कारणों से भयंकर भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि डॉकी थाना के नूरपुर निवासी राहुल पुत्र सत्य प्रकाश रोज की तरह अपने शोरूम को रात्रि में 8 बजे बंद करके अपने घर चला गया था। इसी बीच अज्ञात कारणों से रात्रि में 1 बजे के करीब शोरूम में अचानक भयंकर भीषण आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया और रात्रि को थाना डॉकी पुलिस क्षेत्र में गश्त दे रही थी, तभी अचानक पुलिस को राहुल कपड़ा शोरूम में भयंकर आग दिखाई दी और सूचना पुलिस चौकी कबिस के पुलिस कर्मियों द्वारा रात्रि में शोरूम मालिक को सूचना दी और तभी शोरूम मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस द्वारा आग लगने की सूचना मिलने पर शोरूम व घर परिवार वाले मौके पर पहुंच गए और जब तक पहुंचे तब तक शोरूम का सारा सामान जलकर राख हो गया और पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शोरूम में भीषण आग को बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया और इससे पहले शोरूम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। शोरूम मालिक सत्य प्रकाश ने इस संबंध में डॉकी पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर मौके का मायना लिया। कहाँ के रहने वाले हो? नूरपुर तनौरा। क्या घटना घट गई है आपके यहाँ पे? राहुल साड़ी शुरू में हमसे दुकान है, उसने सीचा जी तो दुकान धुआं निकल रहा है, हम आए घर से निकल शटर खोला के तो दुकान में बहुत भयंकर आग थी। फिर क्या देखा आपने? देखा पूरी दुकान पूरी तरह जल चुकी थी। हमने आके समर चलाई, पानी डाला, आग आया करीब 1.5 घंटे में, तब तक दुकान कुछ नहीं बचा था। फिर किसी की सूचना पुलिस द्वारा और क्या क्या करना चाह रहे हैं? किसी घटना की गई है या कैसे लग रहा है आपको? आप जी तो जांच का विषय पुलिस करेगी तेरी दया थाने में। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से गजेंद्र तोमर की रिपोर्ट।